बढ़ेंगे आगे कपश्यपुर से। कोरो नेशनल पार्क से बड़ी खुशखबरी आई है। मादा चीता ने चार शावकों को जन्म दिया है और शियाया नाम की चीता ने इन बच्चों को जन्म दिया है। आपको बता दें कि चारों शावकों को की बात की जाए तो पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित बताए जा रहे हैं और 17 सितंबर को नामीबिया से ये चीते लाए गए थे। तो देखिए एक अच्छी खबर यहाँ पर मिल रही है। थोड़े दिन पहले की बात की जाए तो एक बुरी खबर जरूर आई थी कि एक चीता की मौत हुई थी, लेकिन अब ये खुशखबरी सामने निकल कर आई है। मादा चीता ने चार शावकों को जन्म दिया है। तो शियाया नाम की ये चीता है जिसने चार शावकों को जन्म दिया है और जन्म के बाद ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चार जो शावक है उनको जन्म दिया है और एक बड़ी खुशखबरी है। और शियाया नाम की ये चीता है जिसने चार बच्चों को जन्म दिया है और बताया जा रहा है कि ये जो चार शावक जिनको आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से स्वस्थ सुरक्षित है और ये भी एक अच्छी बात है। और आपको एक बार जरा फिर से याद दिला दें कि 17 सितंबर की वो तारीख थी जब नामीबिया से चीते लाए गए थे, आठ चीते, और उनमें से शियाया नाम की भी एक चीता थी जिसने आज इन चार बच्चों को जन्म दिया है जो कि पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो देखिए शिवपुर से ये बड़ी खबर है। और वाइल्ड लाइफ की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि देखिए चीतों को बचाने की कवायद को लेकर भी सवाल थे। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि एक बुरी खबर भी आई थी कि चीते की मौत हुई थी, लेकिन अब ये अच्छी खबर सामने निकल कर आई है कोरो नेशनल पार्क से। तो बड़ी खुशखबरी की ये बात है कि मादा चीता जिसने चार शावकों को यहाँ पर जन्म दिया है, तो शियाया नाम की ये चीता है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और पूरी तरह से ये स्वस्थ और सुरक्षित हैं। तो 17 सितंबर की वो तारीख थी जब नामीबिया से आठ चीतों को यहाँ पर लाया गया था और तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सुदेश बागमारे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर देखिए खुशखबरी एक बड़ी आई है, मादा चीता जिसका नाम शियाया है इसने चार शावकों को जन्म दिया है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जी नमस्कार, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है और पूरे भारत को मध्य प्रदेश वन्य प्राणी प्रबंधन को सैल्यूट करना चाहिए कि एक चीता का जो री इंट्रोडक्शन हुआ है वो जबरदस्त तरीके से हुआ है और इतना अच्छा मैनेजमेंट किया गया कि मादा शावक ने चार बच्चों को जन्म दिया है। इसके पहले आपने कहा था कि एक दुखद घटना हुई है, दरअसल ये दुखद घटना नहीं कहना चाहिए, नेचुरल फेनोमेना, एक प्राकृतिक घटना है जो अवश्य ही होगी कि आप 10-20 चीते लाएंगे तो 20 में से एक आध निश्चित रूप से काल कवलित होगा, मगर ये दुखद घटना नहीं है। प्रकृति में इस तरह की घटनाएं चलती रहती हैं। अफ्रीका में जहां से लाए गए वहां भी इस तरह की घटनाएं चल रही होंगी, वहां भी यदि 100 चीते होंगे तो एक आध एक की दो की मृत्यु हो रही होगी। तो ये एक चलता रहता है, इंटरनल इंफेक्शन रहते हैं और इसमें मैनेजमेंट अपना भरपूर प्रयास करता है कि वो डायग्नोस होके और उसको बचाया जा सके। तो ये जो चार बच्चे पैदा होने की जो घटना हुई है ऐतिहासिक घटना है, इतिहास वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में इसको हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सर जैसे कि जो चीते लाए गए थे इनके जो शावक अब हुए हैं इसको भी एक चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा था, तो वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनके लिए आप इस उपलब्धि को किस तरीके से देखते हैं और खास तौर पर बात की जाए मध्य प्रदेश के लिए? देखिए अभी जो इस मैनेजमेंट में अधिकारी लगे हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से लेकर फॉरेस्ट गार्ड तक, आप मान के चलिए कि वो अपनी सांसें जो ले रहे हैं, जो हम दिन भर में 22,000 के आसपास सांस लेते हैं, हर सांस में चीते के बारे में सोच रहे हैं। तो इससे बड़ा ही उनकी मेहनत और क्या हो सकती है, आप सोचे कि लोग दिन रात अनवरत उसमें मैनेजमेंट में लगे हुए हैं और उसी का एक सुखद परिणाम प्राप्त हुआ है कि चार बच्चे दिए हुए हैं। इस पर भी चार बच्चे दिए हैं और इन बच्चों में से किसी एक बच्चे को जो कि प्राकृतिक नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है कि अबंडन कर सकती है, तीन अच्छे बच्चे हैं उनको रख लेगी मादा, हो सकता है एक को छोड़ दे या चारों को रख ले, उस पर भी जो तथाकथित हमारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है जिनको जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनने दूर से वाइल्ड लाइफ देखी है मगर आज एक्सपर्ट कहला रहे, वो कुछ भी कमेंट करेंगे, उन सब कमेंट्स को अवॉइड करके हमारा देश पूरा, हमें मोदी जी को और मध्य प्रदेश के वन्य प्राणी प्रबंधन को, हमारे प्रधानमंत्री और प्रबंधन दोनों ही बधाई के पात्र हैं।
तो सुदेश जी आप बने रहिए हमारे साथ। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, वो भी हम जरा अपने दर्शकों को बता दें। तो ये देखिए चार शावक जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इन्होंने जन्म लिया है, पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित है। तो ये देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और नन्हे मेहमानों को लेकर देखिए उन्होंने लिखा है कि नन्हे मेहमानों के आने का उनको आनंद, और ये लिखने के साथ ही उन्होंने तस्वीरें भी यहां पर साझा की है। तो प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुल्लू नेशनल पार्क से जो खुशखबरी आई है उसको लेकर उन्होंने भी खुशी जाहिर की है। मादा चीता ने चार शावकों को जन्म दिया है और चार शावकों की ये तस्वीर उन्होंने यहां पर अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है और अपनी खुशी जाहिर की है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका सीधा रुख करते हैं। नितिन देखिए खुशखबरी कब मिली? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे दो दिन पहले कुछ और माहौल जब कुल्लू नेशनल पार्क में बना हुआ था, लेकिन आज ये खुशखबरी अभी हम चंद मिनटों पहले मिली है और लगातार खुशखबरी को पूरे श्योपुर शहर में इसको इतने अच्छे तरीके से देखा जा रहा है कि अब जो जिसका पूरे भारत देश को इंतजार था, पहला जो खुशखबरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको उनके जन्मदिवस पर दी थी जीते ला करके, दूसरा सबसे बड़ी खुशखबरी आज भारत देश की धरती पर चार शावकों ने जन्म दिया है जो 70 साल पहले प्रजाति विलुप्त हो गई थी, आज भारत देश में ये जन्मे हैं। तो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। कुल्लू नेशनल पार्क के अधिकारी कर्मचारी लगातार उनकी देखरेख में लगे हुए हैं। हम लोगों ने डीपो प्रकाश वर्मा से संपर्क किया, उन्होंने कहा चारों शावक स्वस्थ हैं, अब इनकी देखरेख की जा रही है और खुशी का माहौल पूरे पार्क में नेशनल पार्क में बना हुआ है। हालांकि ट्वीट सारे चाहे भूपेंद्र यादव हो, सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, सब लोगों ने ट्वीट कर दिया है खुशी पूरे भारत देश में इसकी बनाई जा रही है। और रही श्योपुर की बात, तो कहीं ना कहीं श्योपुर में जो इस तरह इस चीज को देखा गया, इस खुशखबरी को सुना गया, तो कहीं ना कहीं सब लोग इसको एक बेहतर एक बहुत अच्छा विकास पूरे भारत देश के लिए माना जा रहा है और खुशखबरी बहुत अच्छी जोरों से स्वागत उनका कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका जानकारी के लिए। तो देखिए बड़ी खबर और खुशखबरी वाली ये खबर है श्योपुर के कुल्लू नेशनल पार्क से, जहां पर 17 सितंबर को जो चीते लाए गए थे उनमें से शियायन नाम की जो मादा चीता है उसने चार बच्चों को जन्म दिया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि ऐतिहासिक ये पल है, ऐतिहासिक तस्वीर है, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ वन विभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है। जो प्रजाति विलुप्त होती जा रही थी जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे थे कि ये प्रजाति विलुप्त हो रही है, आगे इनका कुनबा कैसे बढ़ेगा, लेकिन मध्य प्रदेश ने ये कर दिखाया है जो मादा चीते। चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी देखिए खुशखबरी वाली तो बात है ही है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि की बात है। देखिए निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश और देश के लिए गौरव, आनंद और गर्व का विषय है कि जो 70 साल पहले हमारे यहाँ से चीते गायब हो गए थे या जिनका कुनबा यहाँ नहीं बचा था, अब उनको फिर से बसाने का प्रयास हुआ। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कल्पना थी कि कैसे हम चीतों को यहाँ लाएं और फिर से इस कुनबों को बढ़ाया जाए। और जो टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश, उसके बाद हमने ये भी देखा कि लेपर्ड के रूप में जाना गया और अब चीते के रूप में पहचान मध्य प्रदेश बनाने जा रहा है। सीआईआर ने आज चार बच्चों को जन्म दिया जो स्वस्थ मस्त और अच्छे बताए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले फॉरेस्ट के अफसरों से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हम सबके लिए खुशी का विषय है। लेकिन आप देखिए किसी प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपकी मंशा क्या है, ये इसमें नज़र आता है। और फिर हम यदि किसी चीज़ को वापस करते हैं भारत की धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर, हमारे लिए ज़्यादा गौरव है क्योंकि मध्य प्रदेश की धरती से इसकी शुरुआत हो रही है। अभी करीब 10 और चीते लाए जाना, दो दिन पहले जब बंसल न्यूज पर मंत्री बात कर रहे थे तो वो कह भी रहे थे कि जल्द हम 10 चीते और लाएंगे। तो अब जब सफल हो जाता कोई प्रोजेक्ट तो इसको और ये कहा जा सकता है कि हरी झंडी मिल जाएगी। नामीबिया से लाए गए थे सितंबर माह में और करीब करीब 7 माह होने को, और 7 माह में एक किलकारी गूंज गई उसी कुनो के बाग में, कुनो के अभ्यारण्य में। ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और अब ये कहा जा सकता है कि पर्यटक की दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी ये क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा, यहाँ नए नए पर्यटक यहाँ पहुँचेंगे और इस बात का लुत्फ भी लेंगे। और भारत या मध्य प्रदेश की जो पहचान टाइगर लेपर्ड के रूप में होती थी अब चीता के रूप में भी होगी, यानी ये कहा जा सकता है कि प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल रहा है। ये जरूर है कि इस बीच में एक दुख भरी खबर भी आई थी जिसने थोड़ा सा चिंता में डाला था, लेकिन उसी बीच दूसरे तीसरे दिन ही आज बहुत अच्छी खबर, खुशी की खबर है कि अष्टमी के दिन बहुत शुभ दिन माना जाता है, जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर कहा है कि हमारा प्रोजेक्ट सफल हुआ, हमारे लिए गर्व का विषय है और निश्चित रूप से आनंद, गर्व और गौरव का पल है।
बिल्कुल आनंद, गर्व और गौरव का ये पल है मध्य प्रदेश वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जानकारी के लिए। तो चलिए सुदेश बागमारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट मिले हैं हमेशा इसमें सक्सेसफुल रहा है और इस प्रोजेक्ट की भी बात की जाए तो इतिहास के पन्नों में ये खुशखबरी हमेशा के लिए दर्ज होने वाली है। आगे के भी जो प्रोजेक्ट है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मध्य प्रदेश में जो वन अधिकारी है विशेषकर जो तकनीकी सेवाओं से जुड़े हुए वन अधिकारी है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट से जुड़े हुए वन अधिकारी हैं, वो बहुत ही समर्पित और निष्ठावान किस्म के अधिकारी हैं और उनकी देखरेख में कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो वो अपनी पूरी क्षमता से उसमें भिड़ जाते हैं और सफलता के तक ले जाते हैं। जैसा कि इसी प्रोजेक्ट देखिए आप चीते प्रोजेक्ट में, तो मध्य प्रदेश न केवल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, मध्य प्रदेश में तो जाने जाता है, पूरे भारत में मैनेजमेंट के लिए वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में अग्रणी है। चाहे वो टाइगर का हो, चाहे वो चीते का हो, या अन्य कोई भी काम हो, या वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू का काम हो, मैन एनिमल कंफ्लिक्ट के काम हो, सभी तरह के कामों में मध्य प्रदेश की हमेशा मिसाल दी जाती है। मैं यहाँ एक और बात बताना चाहूंगा कि जो चार बच्चे हैं ये कैच फैमिली की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि इनकी 15-20 दिन बाद आंखें खुलती हैं, तो हम अब उसके जब आंख खुल जाती है तब वो अपने मूवमेंट अच्छे से शुरू करते हैं। तो माँ इनका बड़ा 15-20 दिन तक बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। माँ अभी दो माँ हो गई है, एक तो चीते माँ और दूसरा मैनेजमेंट माँ, तो ये दोनों बहुत सावधानी पूर्वक आप देखेंगे कि अगले 20 दिन तक जब तक इनकी आंख नहीं खुल जाती है बच्चों की, बहुत ही सावधानी से इनका प्रबंधन करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुनो नेशनल पार्क से ये बड़ी खबर थी, खुशी वाली खबर थी, न केवल मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देशवासियों के लिए ये खुशखबरी रही कि चार शावकों को यहाँ पर जन्म दिया है। आनंद, गर्व और गौरव का ये पल।